अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर की ऐतिहासिक जगहों को चमकाने और उनमें नया रंग भरने की कोशिशें जारी हैं। एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल के तौर पर अयोध्या की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने के मकसद से ऐतिहासिक अफीम कोठी को भी नए अंदाज में सजाया सवारा जा रहा है। जो नव अयोध्या बन रहा है उसके साथ साथ जो पौराणिक अयोध्या जो हमारी है, जो विरासत हमारी है, तो विकास के साथ साथ हमारा विरासत भी हमारे साथ चले और कहीं विकास के इस प्रक्रम में विरासत हमारा नहीं छूटे, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जो पौराणिक बिल्डिंग्स हैं, जो अपने अफीम कोठी का नाम लिया, वहाँ पे एक अवध के नवाबों का महल भी है और अफीम कोठी अंग्रेजों के समय की है और वो प्रेमाइसेस काफी बड़ा है, उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं साकेत सदन के नाम से। नए सिरे से बनकर तैयार होने के बाद अफीम कोठी को साकेत सदन के नाम से जाना जाएगा। ये शहर की खोई हुई विरासत को वापस लाने की ओर राज्य सरकार की बड़ी पहल का हिस्सा है। हमारे अलग अलग समय के जो बिल्डिंग्स है उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं, वो काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसका हम लोगों ने रेनोवेशन शुरू कर दिया है। जो हमारे चार द्वार हैं जो अयोध्या मेन इलाके में है, फैजाबाद के इलाके में जो पुराने फैजाबाद कहे जाते थे, उस द्वार को भी हम लोग रेनोवेट करने जा रहे हैं। और जो हमारे मंदिर हैं, मंदिर मठ हैं, जो 100 साल 200 साल पुराने हैं और जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो गए थे, उसको भी हम कंजर्वेशन टेक्निक के माध्यम से उसको रेनोवेट करने जा रहे हैं और उसमें उसका जो प्राचीन सौंदर्य बोध है वो भी जीवित रहे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अफीम कोठी को हेरिटेज लुक देने का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा।